नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। शिवपुरी, खबर जिला शिवपुरी की कलेक्ट्रेट से। शिवपुरी मुख्यालय पर स्थित कलेक्ट्रेट परिसर के कई विभागों के कक्ष में आज शनिवार की रात आग भड़क गई। इसका पता अधिकारियों को सुबह 5 बजे लगा। जब तक प्रशासन जाग और आग बुझाने के प्रयास शुरू किए, तब तक कई विभागों के रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए। बता दें कि आग लगने का कारण फिलहाल सामने नहीं आया है। वहीं विभागों के रिकॉर्ड में आग लगने को सुनियोजित माना जा रहा है, तो वहीं आगजनी की इस घटना को शॉर्ट सर्किट से भी जोड़कर देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आग शनिवार की रात कब और कैसे लगी, इसका पता किसी को नहीं लगा, जबकि रात्रि में ड्यूटी चौकीदार भी तैनात रहते हैं। बताया गया कि आज सुबह 5 बजे कलेक्ट्रेट परिसर के कई कक्षों में धुआं उठता देखा गया था। इसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई थी। इसके बाद मौके पर पहुंचे संबंधित अधिकारियों ने नगर पालिका की फायर ब्रिगेड पानी के टैंकर को बुलाकर आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया था। बता दें कि आग पर काबू पाने के लिए एसडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया था। इसके बाद सुबह 8 बजे तक आग पर काबू पाया गया था। जानकारी के मुताबिक कलेक्ट्रेट की नजूल शाखा, शिकायत शाखा, भू अर्जन शाखा, नाजिर शाखा, स्टेशनरी के कक्षों में आग लगी। इस शाखाओं में के संबंधित सभी रिकॉर्ड आग की चपेट में आने से जल गए हैं। इस मामले में कलेक्टर रविंद्र चौधरी का कहना है कि आग नाजिर के स्टोर रूम, नजूल के कुछ हिस्सों में लगी है। भू अर्जन के हमारे रिकॉर्ड सुरक्षित हैं, कुछ रिकॉर्ड हमारा ऑनलाइन है जिसे हम वापस ले सकते हैं। आग कैसे लगी है फिलहाल स्पष्ट नहीं है। हम एडीएम साहब की अध्यक्षता में एक टीम बनाएंगे जो पूरे मामले की जांच करेगी कि रिकॉर्ड कैसे जला, किस किस रिकॉर्ड का नुकसान हुआ है, यह तो पूरी पड़ताल के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। जो कलेक्ट्रेट का हिस्सा है, मजदूर शाखा था और नाजिरात का जो पीछे का जो हिस्सा था, क्योंकि बहुत पुरानी बिल्डिंग है, 170 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो वहाँ के हिस्से में जैसा अभी तो चूँकि कारण अज्ञात है कैसे लगा, वहाँ के हिस्से में आग लगी थी। जो यहाँ सैनिक रहते हैं उन्होंने सुबह सुबह देखा और फायर ब्रिगेड भी आए, बीजेपी फायर ब्रिगेड आए और उसको कोशिश करके बुझा दिया। और बेसिकली जो नुकसान है, जो पुराने जो उनके नाजिरात के रहते हैं, जो पुराने समय में उनमें है, कोई रिकॉर्ड रूम का हमारा इधर कोई याद नहीं थी। और जो इसके नजूल की कुछ चीज़ें जगह हैं, तो लेकिन नजूल चूँकि अब ऑनलाइन है, वो रिकॉर्ड हमें ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, कितने इस्तेमाल करीब 5 से 6 कब्रों में पसरी आग और भीतर भीतर चुकी सुलग रही थी और इसको करके 3 फायर ब्रिगेड लगा के नगर पालिका के कर्मचारी, एसडीआरएफ के प्लस बाकी पुलिस के और जो कलेक्टर के सबने मिलकर। सर क्या कारण मानते हैं आप ये? देखिए, इसको तो वॉच करेंगे, चूँकि हमारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, अभी लाइट काट दी गई है, तो वो हम ये देखेंगे कि कोई अलग से घुस के नहीं घुस के, या दूसरी स्थिति बन सकती है, शॉर्ट सर्किट की बन सकती है, तो वो उसकी भी संभावना हम लोग जाँच के बाद ही करेंगे। मीडियम के द्वारा हम उसकी जाँच। सर आग लगने के लगभग टाइम क्या होगा? जो देखा गया लगभग 5 बजे के आसपास देखा गया धुआं। आप कितने बजे से यहाँ निगरानी में खड़े हैं? मैं 6:20 के लगभग समस्या की निगरानी। शिवपुरी से खबर समय जगत के लिए सतीश ठाकर की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल and press the bell icon.